फिर से आपके लिए कुछ आगे की चीज़ें लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था आपको अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, इस वाले वीडियो में आपको मैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताऊंगा। ये भी थोड़ा हमको डिफिकल्ट लगता है, टेक्स्ट बुक में उतना ज़्यादा एक्सप्लेन दिया हुआ नहीं है, हमको थोड़ी पता चलता है कि दो अल्डिहाइड दिया रहता है तो चार प्रोडक्ट कहाँ से जनरेट होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी आपको क्रॉस अल्डोल भी हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-3 मिनट लगेगा समझने में, बहुत ईजी है। अगर आपको अल्डोल कन्फर्म है तो क्रॉस अल्डोल समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उसमें मैंने जैसे आपको बताया था अल्डोल कंडेंसेशन में दोनों ग्रुप सेम होते हैं। अगर यहाँ पे देखो दो कार्बन वाला अल्डिहाइड होगा तो यहाँ पे भी दो कार्बन वाला अल्डिहाइड होगा। ठीक है, लेकिन क्रॉस अल्डोल में कैसे होगा पता है? अगर यहाँ पे दो कार्बन होगा तो यहाँ पर तीन कार्बन वाला होगा, यहाँ पर अगर तीन होगा तो यहाँ पे चार होगा, या तो पांच होगा। मतलब डिफरेंट अल्डिहाइड, डिफरेंट डिफरेंट अल्डिहाइड ग्रुप होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हेन इथेनॉल डिहाइड इट्स रिएक्ट्स विद प्रोपेनॉल डिहाइड हाउ मेनी, मैंने लिखा था ना हाउ मेनी एनल आर फॉर्म। एनल तो आपको पता ही लगेगा ना, लास्ट वाला कंपाउंड कितना फॉर्म होगा। तो मेरा जो आंसर है वो टोटल 4 मेरे को मिलेगा। तो 4 कैसे मिल रहा है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे पास क्या लिखा है, ये किसका फॉर्मूला है, इथेनल डिहाइड और एसिटल डिहाइड हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इथेनल भी बोल सकते हैं IUPAC में। तो ये एसिटल डिहाइड का फॉर्मूला है। पहले मैं क्या करता हूँ पता है, इसके प्रोडक्ट में फॉर्म करके देखता हूँ। तो पहले मैंने क्या किया, इसके दो ग्रुप लिखे। देखो मैंने यहाँ पे इथेनॉल डिहाइड फिर से लिखा है, एसिटल डिहाइड लिखा है और एसिटल डिहाइड मैंने फिर से लिखा है। ठीक है, तो पहले मैंने इसके एक प्रोडक्ट फॉर्म किया। मैंने क्या किया, फिर से वही मेथड है, अल्फा अपना एच डोनेट करेगा तो क्या कन्वर्ट होगा, यहाँ पे OH में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही OH में कन्वर्ट हुआ तो ये अनस्टेबल कार्बन हुआ और ये भी अनस्टेबल है, तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। और जैसे ही मर्ज हुआ तो यहाँ से हमको एक कंपाउंड जनरेट हुआ, ये कंपाउंड जनरेट हुआ, इसी को हम कहते हैं ना बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, हो गया ये। और जैसे ही ये कंपाउंड मिला तो हमने देखा यहाँ पे क्या चेंज किया, ये मेरा अल्फा कार्बन है और ये मेरा बीटा है। मैंने क्या किया, अल्फा और बीटा में से OH और H बाहर निकला, मतलब ये कंबाइंड फॉर्म में आ गया तो हमको वाटर देगा। और जैसे ही वाटर निकला तो बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और जैसे डबल बॉन्ड आ गया, आपको तो नेमिंग पता ही है ना, अल्डिहाइड के साथ अगर डबल बॉन्ड आता है तो मिनिमम नंबर ऑफ किसको मिलना चाहिए, लोएस्ट प्रायोरिटी पे कौन सा आएगा तुम्हारा, CHO को हम स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग डालना स्टार्ट करेंगे। ये हो गया मेरा 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4, तो टोटल कार्बन 4। देन यू कॉल्ड ब्यूट सेकेंड पे आ रहा है तो EN, और अल्डिहाइड को बोलते हैं वो AL कहते हैं, तो 1 पे AL। ये हो गया पहला। सेकेंड आप देखो तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिया, प्रोपेनाल्डिहाइड। अब मैं प्रोपेनाल्डिहाइड के भी दो प्रोडक्ट बाहर निकालता हूँ। मैंने एक बार प्रोपेनाल्डिहाइड यहाँ लिखा, फिर से मैंने एक बार प्रोपेनाल्डिहाइड यहाँ पर लिखा, मेथड सेम है। मैंने क्या किया, अल्फा से एच डोनेट किया, जैसे मैंने यहाँ पर डोनेट किया तो ये OH में कन्वर्ट हो गया और एच रोटेट होकर नीचे आ गया, तो ये अनस्टेबल कार्बन और ये अनस्टेबल, तो दोनों आपस में मर्ज हो गया। और जैसे ही मर्ज हो देंगे पता है ना, ये CH3 बेस में आ जाएगा, नीचे की तरफ में रोटेट होगा। जैसे ही मर्ज हो गया तो अपने को मिला क्या, अल्डोल मिल गया। अब मैंने क्या किया, फिर से वही देखो, ये फिर से अभी भी बीटा आ रहा है, ये अल्फा आ रहा है। मैंने क्या किया, बीटा से OH निकाला और अल्फा से H निकाला। जैसे ही निकाला तो क्या फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हुआ, और वाटर फॉर्म हुआ तो बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब नेमिंग फिर से करते हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, 5 मिला, बट सेकंड पे मिथाइल आ रहा है तो इट कॉल्ड 2-मिथाइल पेंट, 2 EN और 1 पे AL। ये तो हो गए दो प्रोडक्ट, पहले किसके, मैंने इसके इसके एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने एक प्रोडक्ट इसका बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार ऐसे दोनों को प्रोडक्ट बनाता हूँ, एक बार इसको पहले रखता हूँ और इसको बाद में रखता हूँ, वो भी एक प्रोडक्ट बना के बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे आप बना भी दिया है प्रोडक्ट पहले से ही। मैंने क्या किया, इस पहले देखो मैंने क्या किया, एसिटल्डिहाइड पहले लिख लिया और प्रोपेनाल्डिहाइड को बाद में रखा है। ठीक है, अब फिर से वही मेथड मेरा, अल्फा से एच डोनेट हुआ, यहाँ पर आया, जैसे एच यहाँ पर डोनेट होकर आएगा तो कन्वर्ट होगा, OH में कन्वर्ट हो गया, ये अनस्टेबल, ये अनस्टेबल, जैसे ही अनस्टेबल है दोनों आपस में मर्ज होंगे, जैसे ही मर्ज होगा तो ये बेस में जाएगा, आ गया, ये हो गया अल्डोल, वाटर लिब्रेट करो फटाक से। जैसे ही वाटर लिब्रेट हुआ, इनल मिला, क्या मिला, नाम क्या है इसका, 1 2 3 4, 4 मतलब क्या, 2-मिथाइल, 2-मिथाइल आ रहा ना, ब्यूट, 2 EN 1 AL। अब मैंने क्या किया, इसको पहले रखा और इसको बाद में रखा। अब देखो मैंने प्रोपेनाल्डिहाइड पहले रखा है, उसके बाद मैंने इथेनाल्डिहाइड रखा है। अब मैंने क्या किया, फिर से यहाँ से ये भी अल्फा, या जरूरी नहीं आप यहाँ का अल्फा यूज़ करो, आप यहाँ का भी अल्फा यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ का एच यहाँ पर शिफ्ट करा है, जैसे मैंने यहाँ पर शिफ्ट करा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH, और ये एच रोटेट होकर नीचे आया, अनस्टेबल। अब ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, जैसे ही मर्ज हुए तो हमको मिला क्या, अल्डोल मिल गया। अल्डोल मिलने के बाद हमने क्या किया, अल्फा से OH बाहर निकाला और बीटा से एच बाहर निकाला। जैसे ये बाहर निकाला तो बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, इसका नाम बोल दो क्या होगा, 1 2 3 4 5, मतलब पेंट, 2 EN 1 AL। टोटल कितने प्रोडक्ट निकल गए, 4, इससे ज़्यादा तो निकलेंगे नहीं। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप ये देख लो कि सारे प्रोडक्ट के नाम अलग होने चाहिए। देखो इसका नाम क्या हो गया, पेंट 2 EN 1 AL, इसका नाम क्या हो गया, 2-मिथाइल ब्यूट 2 EN 1 AL। और जैसे कि हमने पहले जो किया था उसका नाम क्या था, पहले वाले का देखो क्या नाम था, स्टार्ट करते हैं, पहले वाले का नाम था ब्यूट 2 EN 1 AL। अभी तक ऐसा प्रोडक्ट अपने को मिला नहीं है, ब्यूट 2 EN 1 AL वाला मिला गया कहीं पे, एक जगह मिला है ना ब्यूट 2 EN 1 AL, बट वहां पे 2-मिथाइल भी है, और एक मिला मुझे 2-मिथाइल पेंट 2 EN 1 AL। तो ये है हमारा क्रॉस अल्डोल कंडीशन, इसको हम क्या कहते हैं,
क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, इसके मैकेनिज्म भी मैंने यहाँ पे अपलोड किए थे, आप उसमें एक बार मैकेनिज्म भी देख लो। मैकेनिज्म में एक मैकेनिज्म वाला पार्ट भी एग्जाम में आता है, अगर मैकेनिज्म आएगा तो ये नहीं आएगा, अगर मैकेनिज्म नहीं आया तो ये आएगा, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो।